बसमिल्लर अल्ला सई दिना महमदिन वाला आलि सई दिना महमदिन वबारक वसलम असलमिलकुम क्लास टू कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बच्चे खैर खैरियत से होंगे माय नेम इज़ खजरा असलम एंड आई एम योर मैथ्स टीचर आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू इन माय मैथ्स क्लास लेट्स स्टार्ट आर लेसन बिफोर स्टार्टिंग अवर लेसन आई वॉन्ट टू शेयर अ मैसेज ऑफ़ द डे विथ यू और मैसेज ऑफ द डे क्या है आज का नेवर गिव अप इसका क्या मतलब है क्लास्ट जी इसका मतलब है कभी भी हिम्मत ना हारें अगर कोई चीज़ आपको मुश्किल लग रही है और बार बार ट्राई करने के बावजूद आपसे नहीं हो रही तो इट डजेंट मीन बेटा कि आप हिम्मत हार जाए आप उसी चीज़ को बार बार ट्राई करते रहें और अपनी मेहनत और एफर्ट कंटिन्यू रखें और देखिएगा वही चीज़ जो आपको कुछ टाइम पहले मुश्किल लग रही थी आपके बार बार ट्राई करने की वजह से वही चीज़ अब आपको ईजी लगेगी ओके तो क्लास टू आज हमने क्या सीखा नेवर गिव अप हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी ओके नाओ एट दिस क्लास टू ये क्या है येस दीज आर बॉल्स एंड हाउ मैनी बॉल्स आर प्रेजेंट यस दीज आर एट बॉल्स और मैं चाहती हूँ कि मैं इन एट बॉल्स को टू स्टूडेंट्स में डिवाइड कर दूँ क्या इज़ इट पॉसिबल मैं इन एट बॉल्स को टू स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर सकती हूँ कि हर स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ़ बॉल्स मिलें यस और नो यस मैं एट बॉल्स को टू स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर सकती हूँ और हर स्टूडेंट को कितनी नंबर ऑफ़ बॉल्स मिलेंगी फोर वेरी गुड हमने क्या किया हमारे पास टोटल एट बॉल्स थी और मैंने उन एट बॉल्स को टू स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया और हर स्टूडेंट को कितनी नंबर ऑफ बॉल्स मिल गई फोर वेरी गुड नाओ लुक एट दिस ये क्या है क्लास टू येस दीज आर कैंडीज एंड हाउ मेनी कैंडीज आर प्रेजेंट फ़िफ्टीन अब मैं इन फिफ्टीन कैंडीज़ को थ्री स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना चाहती हूँ क्लास टू आप मुझे बताएं, इज इट पॉसिबल क्या मैं फ़िफ्टीन कैंडीज़ को थ्री स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर सकती हूँ येस yes, हम बिल्कुल इनको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं और हर स्टूडेंट को कितनी नंबर ऑफ़ कैंडीज़ मिलेंगी फाइव वेरी गुड हमने क्या किया फिफ्टीन कैंडीज को थ्री स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड कर दिया और हर स्टूडेंट को कितनी नंबर ऑफ कैंडीज मिल गई फाइव ओके तो क्लास टू आज हम डिवाइड करना सीखेंगे ठीक है सो आवर टूडेज टॉपिक इज डिविजन द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर टूडेज लेसन आर बाय द एंड ऑफ़ द लेसन इनशा यू पीपल विल बी एबल टू डिफ़ाइन डिवीज़न लेसन के एंड पे आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि आप डिवीज़न को डिफ़ाइन कर सकें एंड इनशा यू विल बी एबल टू डिफ़ाइन एंड आइडेंटिफाई द टर्म्स डिवाइजर डिविडेंट क्वेश्चन एंड रिमेंडर द लेसन कॉन्टेंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे आर डिविजन सबसे पहले हम डिवीज़न क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे आफ्टर दैट टर्म्स ऑफ डिवीज़न डिवीजन की टर्म्स कौन कौन सी हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड दीज टर्म्स आर डिवाइजर डिविडेंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर क्लास टू डू यू नो वॉट इज डिवीज़न और डिवीजन से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम डिवीज़न को डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं इट मीन्स डिवीज़न की एक से ज़्यादा डेफिनेशंस हो सकती हैं आज के लेसन में भी हम डिवीज़न की टू डेफिनेशंस पढ़ेंगे क्लियर चलें देखते हैं फर्स्ट डेफिनेशन क्या है डिवीज़न की डिवीजन इज़ ब्रेकिंग अप अ नंबर इन टू एन इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स इट मीन्स एक नंबर को इक्वल नंबर ऑफ़ पार्ट्स में डिवाइड कर देना डिवीजन कहलाता है ओके okay? चलें अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं इस एग्ज़ाम्पल में हेयर वी हैव टेन एप्पल्स हाउ मनी एप्पल्स आर प्रेजेंट हेयर टेन और हमने इन टेन एप्पल्स को स्टूडेंट्स में डिवाइड करना है कि हर स्टूडेंट के पास इक्वल नंबर ऑफ़ एप्पल्स जाए ठीक है हमने फाइव फाइव एप्पल्स डिवाइड करने हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम टेन एप्पल्स को कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं चलें देखते हैं कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे देखें ये फाइव एप्पल्स दीज आर फाइव एप्पल्स हमने इन फाइव एप्पल्स को एक स्टूडेंट को दे दिया ओके okay? फिर हमने इन फाइव एप्पल्स को एक और स्टूडेंट को दे दिया इट मीन्स जब हम टेन को फाइव फाइव करके डिवाइड करेंगे आंसर विल बी टू यस अब हम इसी एग्ज़ाम्पल को एक और तरह से देखते हैं यहाँ पे भी हमारे पास कितने एप्पल्स है? हैं टेन एप्पल्स हैं हेयर वी हैव टेन एप्पल्स अगेन और अब हमने इन टेन एप्पल्स को इस तरह डिवाइड करना है कि हर स्टूडेंट को हम टू टू एप्पल्स दें और फिर हम देखेंगे कि हम टेन एप्पल्स अगर टू टू करके डिवाइड करें तो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम ये एप्पल डिवाइड कर सकते हैं क्लियर चलें देखते हैं ये टू एप्पल्स हमने एक स्टूडेंट को दे दिए ये टू एप्पल्स एक और स्टूडेंट को दे दिए ये टू एप्पल्स भी दे दिए एक स्टूडेंट को ये टू एप्पल्स भी दे दिए ये एप्पल्स भी दे दिए कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में ये एप्पल्स डिवाइड कर दिए हैं फाइव में यस इट मीन्स डिवीज़न में हमने इक्वल नंबर ऑफ़ एप्पल्स डिवाइड किए हैं कितने स्टूडेंट्स में फाइव स्टूडेंट्स में वेरी गुड क्लास टू अब हम देखते हैं वॉट इज द सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डिवीजन डिवीजन की सेकेंड डेफिनेशन क्या है द प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रेक्शन इज कॉल्ड डिवीजन अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल टेन डिवाइडेड बाई फाइव एक अब हमने ये देखना है कि ये एग्जाम्पल हमारी करेक्ट है या नहीं ठीक है और एक एग्जांपल को हमने चेक कैसे करना है एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ठीक है अब हम क्या करेंगे क्लास टू टेन क्योंकि टेन हमारे पास टोटल नंबर है ठीक है टेन माइनस फाइव टेन में से फाइव को माइनस करेंगे हमारा आंसर क्या आएगा फाइव ओके okay? अब जो भी हमारा आंसर आएगा अगेन उसमें से हम फाइव को माइनस कर देंगे ओके okay, अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो ये सप्ट्रैक्शन का प्रोसेस हमने करते जाना है जब तक हमारा आंसर जीरो ना आ जाए ठीक है तो क्लास टू काउंट करके मुझे ये बताएं कि आपने टेन में से कितने टाइम्स फाइव को माइनस किया और आपका आंसर ज़ीरो आया काउंट करें सारे बच्चे इट मीन्स आपने टेन में से टू टाइम्स फाइव को सप्ट्रैक्ट किया तो आपका आंसर ज़ीरो आया ऐसे ही है ना इट मीन्स जो आपने ऊपर पढ़ा है टेन डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स टू टू इट इज करेक्ट ओके ना डू यू नो वॉट आर डिविजन साइंस आपको पता है कि डिवीजन के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं डिवीजन के लिए हम दो तरह के साइंस यूज करते हैं ओके okay? एक ये साइन है आप लोग देख रहे हैं ये हॉरिजोंटल लाइन है और वन डॉट इज अबव एंड वन डॉट इज बिलो दैट लाइन ठीक है ये किस चीज़ का साइन है ये डिवीजन का साइन है जहाँ पे भी आप ये साइन देखेंगे इट मीन्स वो क्वेश्चन किस चीज़ का होगा डिवीजन का होगा वेरी गुड यहाँ पे देखिए अगेन आपके पास डिवीज़न का साइन आ गया और अब देखें इस बॉय ने भी कौन सा साइन पकड़ा हुआ है यस yes, डिवीजन का साइन पकड़ा हुआ है ठीक है ये साइन अच्छे से मेमोराइज़ कर लें ताकि आपको भूलें ना यहाँ पे एक और साइन आपके सामने बना हुआ है ये भी डिवीजन का साइन है ओके क्लास टू जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम डिवीज़न के लिए टू साइंस यूज़ करते हैं ऐसे ही है ना तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि हम कौन सा साइन कब यूज़ करते हैं लुक एट दिस हेयर इज अ क्वेश्चन फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स टू थ्री ऐसे ही है ना ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अच्छा अब आप इस क्वेश्चन को देखें कि ये क्वेश्चन एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है ऐसे ही है ना तो क्लास टू जब भी कोई भी क्वेश्चन एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ होगा हम बोलेंगे कि ये लीनियर फॉर्म है क्लियर लीनियर फॉर्म मीन्स क्वेश्चन हमारा एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है ठीक है और लीनियर फॉर्म में हमेशा हम डिवीज़न का ये वाला साइन यूज़ करेंगे क्लास टू और लीनियर फॉर्म में आप हमेशा जो बड़ा नंबर होगा उसको पहले लिखेंगे डिवीजन के साइन से और जो छोटा नंबर होगा उसको डिवीजन के साइन के बाद लिखेंगे ठीक है यहाँ पे आप देखें फिफ्टीन बड़ा नंबर है ऐसे ही है ना तो उसको हमने डिवीजन के साइन से पहले लिखा हुआ है और फाइव जो कि छोटा नंबर है एज कम्पेयर टू फिफ्टीन इसलिए हमने उसको डिवाइड के साइन के बाद लिखा हुआ है क्लियर बेटा दिस फॉम इज फाइन फॉर वेरी सिंपल सम्स लीनियर फॉर्म हम तब यूज करते हैं जब हमने डिवीजन के सिंपल सम सॉल्व करने हैं ठीक है नाउ लुक एट दिस यहाँ पे क्वेश्चन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं लिखा हुआ ऐसे ही है ना क्लास टू इस तरह की फॉर्म से हम बिग नंबर्स को इजीली डिवाइड कर सकते हैं दिस फॉर्म हेल्प्स अस डू सम्स विद बिग नंबर्स और इसको हम क्या कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग डिवीज़न क्लियर क्लास टू और लॉन्ग डिवीजन में हम डिवीज़न का ये वाला साइन यूज़ करते हैं क्लियर नाउ वॉट आर द टर्म्स ऑफ डिवीजन क्लास टू आपको पता है कि हम डिवीज़न में कौन कौन से टर्म्स यूज़ करते हैं लेट्स डिवीजन में हम फोर टर्म्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन सी सी फर्स्ट वन इज डिवाइजर सेकेंड इज डिविडेंड थर्ड इज क्वेश्चन फोर्थ इज रिमाइंडर ओके क्लास टू अब हम हर टर्म को वन बाय वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज डिवाइजर वॉट इज डिवाइजर द नंबर विच डिवाइड इज कॉल्ड डिवाइजर क्लियर क्लास टू इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं फिफ्टीन डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स टू थ्री ऐसे ही है ना यहाँ पे हमारे पास टू नंबर्स हैं फिफ्टीन एंड फाइव ठीक है फिफ्टीन और फाइव में से कौन सा नंबर छोटा है आपका फाइव तो फाइव आपका डिवाइजर होगा क्लास टू, जो फॉर्म में नंबर आपका छोटा होगा दैट विल बी योर डिवाइजर ओके नाउ इन लॉन्ग डिवीजन हम देखते हैं कि हमारा डिवाइजर कौन सा नंबर होगा यहाँ पे साइन के अंदर फिफ्टीन लिखा हुआ है ऐसे ही है ना और इस साइन के बाहर फाइव लिखा हुआ है अब हमने इसको सॉल्व कैसे करना है हम फाइव का टेबल पढ़ेंगे जहाँ तक फिफ्टीन आ जाएगा ठीक है तो फाइव थ्रीज 15। फिफ्टीन हम फिफ्टीन लिख देंगे फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन आवर आंसर विल बी ज़ीरो क्लियर वो नंबर जो डिवीज़न साइन से बाहर लिखा हुआ होगा ठीक है यहाँ पे फाइव बाहर लिखा हुआ है ऐसे है ना तो दिस फाइव विल बी आवर डिवाइजर ओके क्लास टू चले मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड टर्म दैट इज डिविडेंड वॉट इज डिविडेंड क्लास टू द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड डिविडेंड वो नंबर जिसको आपने डिवाइड करना है वो आपका डिविडेंड कहलाएगा क्लियर चले अब हम एग्जाम्पल में ढूंढते हैं कि हमारा डिविडेंड कौन सा है फिफ्टीन डिवाइडेड बाय फाइव इक्वल्स टू थ्री ठीक है फिफ्टीन और फाइव में से कौन सा नंबर बड़ा है जिसको हमने डिवाइड करना है दैट इज फिफ्टीन वेरी गुड तो फिफ्टीन हमारा क्या होगा डिविडेंट होगा वेरी गुड अब हम लॉन्ग डिवीजन में देखते हैं कि हमारा डिविडेंट कौन सा होगा अब हमने देखना है कि डिवीजन के साइन के नीचे कौन सा नंबर है फिफ्टीन क्लियर तो so फिफ्टीन बड़ा नंबर है ठीक है और फाइव जो कि डिवीजन के, के साइन से बाहर लिखा हुआ है वो छोटा नंबर है ठीक है तो जो नंबर बड़ा है दैट इज फिफ्टीन और जो डिवीजन के साइन के नीचे लिखा हुआ है दैट विल बी आवर डिविडेंड ओके क्लास टू नाउ मूविंग टू वर्ड्स आवर थर्ड टर्म दैट इज क्वेश्चन वॉट इज क्वेश्चन द नंबर रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ वन नंबर अनदर इज कॉल्ड कोशेंट वो नंबर जो हमारे पास डिवीजन के रिजल्ट में आता है हम उस नंबर को क्या बोलते हैं कोशेंट बोलते हैं क्लियर चलें अब हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं अब हम इस एग्जाम्पल में देखते हैं कि जब हमने 15 को 5 से डिवाइड किया तो रिजल्टिंग नंबर हमारे पास क्या आ गया थ्री तो हमारे पास थ्री क्या है क्वेश्चन है क्लियर क्योंकि दिस इज द रिजल्टिंग नंबर ठीक है हम लॉन्ग डिवीजन में देखते हैं फाइव कितने टाइम्स फिफ्टीन होता है थ्री टाइम्स फिफ्टीन होता है ऐसे ही है ना फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन ठीक है तो हम फिफ्टीन लिखेंगे फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन आंसर विल बी जीरो ठीक है लॉन्ग डिवीजन में हमारे पास रिजल्टिंग नंबर क्या था थ्री ठीक है थ्री विल बी आवर क्वेश्चन नाउ आवर फोर्थ टर्म इज रिमेंडर वॉट इज रिमेंडर द लेफ्ट ओवर नंबर इज कॉल्ड रिमेंडर वो नंबर जो डिविजन के बाद हमारे पास रह जाता है बच जाता है हम उसे रिमेंडर कहते हैं अब हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में कि हमारे पास रिमेंडर कौन सा नंबर है ठीक है फाइव थ्री टाइम्स फिफ्टीन हमने फिफ्टीन लिख दिया फिफ्टीन माइनस फिफ्टीन आंसर इज ज़ीरो ठीक है तो इस क्वेश्चन में हमारे पास लेफ्ट ओवर नंबर कौन सा है दैट इज ज़ीरो ठीक है तो इन दिस केस आवर रिमाइंडर इज ज़ीरो ज़ीरो भी हमारा रिमाइंडर हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ज़ीरो ही आपका रिमाइंडर हो नाउ इट्स टाइम फॉर असेसमेंट यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई डिवाइजर एंड डिविडेंट इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें उसके बाद मुझे बताएं कि ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव इक्वल्स टू फोर ट्वेंटी इज आवर डिविडेंट वेरी गुड क्योंकि हमें पता है डिविडेंट हम टोटल नंबर को कहते हैं जिसको हमने डिवाइड करना होता है ठीक है ना और जो बड़ा नंबर होता है ठीक है एंड वॉट अबाउट डिवाइजर डिवाइजर कौन सा नंबर है वेरी गुड इस एग्जाम्पल में फाइव इज आवर डिवाइजर नाओ इट्स टाइम फॉर होमवर्क होमवर्क क्या है आपका सॉल्व एंड आइडेंटिफाई डिवाइजर डिविडेंड एंड क्वेश्चन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन गिवन है और आप लोगों ने क्या करना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने नोटबुक्स पे और उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हर क्वेश्चन में विच नंबर इज़ योर डिवाइजर डिविडेंट एंड क्वेश्चन देयर क्लास टू आई होप आपको आज का लेसन समझ आ गया होगा इस लेसन को अच्छे से रिवाइज़ करें ताकि आप लोग डिवीज़न की टर्म्स से और डिवीजन से फेमिलियर हो जाएं। थैंक यू क्लास टू अल्लाह हाफिज़